अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। मल्टी टैलेंट भी तनाया में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का राइस। इसके लिए सबसे पहले मैंने बीफ लिया है, तकरीबन 1.5 किलो। आप चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। सबस मिर्चें, तंदूरी मसाला, साबुत गरम मसाला, टमाटर 3 से 4 अदद कटे हुए, सूखा धनिया, लहसुन अदरक पेस्ट, 4 अदद लीमू कटे हुए और दही। चीज़ों को हम कुकर में डाल के पकने के लिए रख देंगे। दही ऐड करेंगे साथ ही। दही तकरीबन आपने आधा कप डालना है और साथ में लेमन जूस। थोड़ा सा पानी ऐड करें गोश्त तलने के लिए और इसे 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दें। नमक डालना भूल गई हूँ तो ये नमक अब ऐड कर रही हूँ। दो चम्मच नमक डाल दें। चीज़ों को कुकर में डाल के पकने के लिए रख दें। नमक मैं बताना भूल गई थी, नमक मैंने इसमें ऐड की है और 10 मिनट के लिए प्रेशर दे दें। इतनी देर में गोश्त रेडी होता है, हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। चावल लिए मैंने तकरीबन 2 किलो और इसके साथ है हमें चाहिए चाइनीज साल्ट। ये ऑप्शनल है, आपका दिल चाहे डालें, नहीं दिल करता आप ना डालें। काली मिर्च, ज़ीरा, प्याज 3 से 4 अदद कटे हुए और आलू क्यूब्स में कटे हुए, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो डालें वरना आपकी मर्जी है। और हमने ऑयल लिया है, ऑयल में हम प्याज ऐड करके इन्हें पकने के लिए रख देते हैं ब्राउन होने के लिए। ब्राउन हो गया, अब हम इसमें आलू डालेंगे, 3 अदद साबुत सब्ज मिर्चें, ज़ीरा, काली मिर्च और नमक। बिल्कुल सादा सिंपल राइस बनाने हैं ये, क्योंकि ज़्यादातर इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें डाल दिए गोश्त में। इससे मैं टमाटर या दही चावलों में बिल्कुल नहीं डालूंगी, क्योंकि गोश्त में हम पहले ही दही, टमाटर और लीमू डाल चुके, उसकी सारी खटाई चावलों में आ जाएगी। बनाई हो चुकी है, अब हम इस पर पानी डालेंगे जो मैंने पैमाइश करके रखा हुआ है। अगर 4 गिलास चावल हैं तो पानी थोड़ा सा कम डालेगा, तकरीबन 7 गिलास या 6.5 गिलास। पानी के अंदर हम चाइनीज साल्ट ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है, आप पसंद है तो डालें, नहीं पसंद तो आप बगैर चाइनीज साल्ट के बना सकते हैं। पानी को उबाल आने तक हम पकने देंगे। पानी पक रहा है, अब हम इसमें चावल डालेंगे। इन्हें पकने देंगे, नमक हम थोड़ी देर के बाद चेक करेंगे ताकि थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए। ये डाल के इसकी हम भुनाई करेंगे। तकरीबन हमारे दम पे आने वाले हैं,
अब हम इन्हें हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। और साथ साथ इसकी बुनाई करेंगे। इसकी अच्छे से बुनाई करनी है और मसाले में मिर्च स्पाइसी सी होनी चाहिए। बुनाई हो गई अच्छी तरह, ये देखिए। कोयले को हम आग पे रखेंगे और इसके बाद हम इसको इसी का दम देंगे, गोश्त में डाल के दम देंगे। अब कोयला एक अंदर रख के हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको बंद कर। चावल हमारे रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें हॉट पॉट में दम लगाएंगे। ये कोयले का दम आ चुका है, हम कोयला इसका बाहर निकाल देंगे। अब हॉट पॉट में हम चावल डालेंगे। हॉट पॉट में राइस डाल लिया और ऊपर से हम डालेंगे ये मसाला तैयार किया हुआ। अब ऊपर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च, थोड़ा सा धनिया और पुदीना डाल के हम हॉट पॉट का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 10 मिनट के लिए स्टीम में आने के लिए रख देंगे। बाद हमने हॉट पॉट खोला और राइस को हमने मिक्स कर देना। बिरयानी अच्छी तरह इन्हें मिक्स करें। बिरयानी से लाजवाब हटके टेस्ट है इनका, आप ये खाएंगे बिरयानी भूल जाएंगे। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल के रखा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फी अमान अल्लाह।